नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में अपने भाषण से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से कश्मीर पर रोते हुए नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर तमाम झूठी खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे को यूएन में आज उठा सकते हैं। यूएन में अपने संबोधन से ठीक पहले इमरान खान ने जम्मू कश्मीर में एक बार कर्फ्यू हटने के बाद हिंसा होने की आशंका जताई है। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ह्यूमन राइट वॉच से बातचीत के दौरान कहा कि लगभग 15,000 कश्मीरी युवाओं को कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लिया गया है। इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में त्रासदी की आशंका है क्योंकि भारत इस क्षेत्र में जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का आह्वान किया कि वे भारत पर दबाव बनाने के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों को भारतीय जम्मू कश्मीर में स्थिति की निगरानी करने की अनुमति दे। एक अलग बैठक में इमरान खान ने कहा कि नस्लवाद अक्सर अहंकार में निहित होता है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों से भारी भूल हो जाती है, और उन्होंने इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ किया। इमरान खान ने साथ ही कहा वो यूएन में कश्मीर को लेकर मदद मांगेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर यूएन इस बात को नहीं समझेगा तो उनकी बात कौन समझेगा, तो फिर कौन इस बारे में बोलेगा। तो इमरान खान आज यूएन में कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से उठा सकते हैं, जबकि उनको पूरी दुनिया में अब तक कश्मीर मुद्दे को लेकर मुंह की खानी पड़ी है। तो ये कहा जाए कि एक बार फिर से इमरान खान आज मुंह की खाने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।